आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सफल हो गया है। वहीं देश का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका के दरबार रजरप्पा मंदिर में लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए दुआएं मांगी जा रही है। हवन और जप का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से ही मंदिर में संकट निवारण जप सुदर्शन पंडित और पंडित श्रीकांत मिश्रा जी के द्वारा किया जा रहा है। जप का आयोजन लाल यादव के बड़े प्रशंसक रहे यूके सिंह और आरके सिंह के नेतृत्व में चल रहा है। जप को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की गई थी। जबकि समापन के बाद हवन भी किया जाएगा और ऑपरेशन तक के समय तक ये जारी रहेगा। मालूम हो कि लालू यादव सिंगापुर में किडनी का ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया है। उनका सिंगापुर के माउंट एलिजाबेल अस्पताल में सफल ऑपरेशन हो गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बताया कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इधर मीसा भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। पापा फिलहाल एक्यू में भर्ती हैं। फिलहाल लालू यादव होश में हैं और बातें भी कर पा रहे हैं। थोड़ी देर में परिवार के लोगों से मिलेंगे। मीसा भारती ने ट्वीट कर बताया कि डोनर बहन रोहिणी आचार्य और पिताजी दोनों स्वस्थ है। रोहिणी आचार्य पूरी तरह से स्वस्थ है, वह फिलहाल एक्यू में भर्ती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।